एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और हमारा घर शिफ्टिंग चल रहा है, तो शिफ्टिंग से पहले मतलब शिफ्ट तो हो चुका है आधा, और फिर भी मैं सोची कि चलो आप सबसे होम टूर शेयर कर लेती हूँ इस घर का। मतलब एक होगा कि आप भी देख लीजिएगा और मेरे ब्लॉग में भी एक मेमोरी के तौर पर यह वीडियो रह जाएगी। तो इस वजह से मैं होम टूर देने वाली हूँ इस सरकारी क्वार्टर का। तो मैं रहती हूँ नेत्रहाट में और यहाँ का सरकारी क्वार्टर कैसा है वो मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं होम टूर। ये है सरकारी क्वार्टर और यहाँ पे दो गेट दिया हुआ है, एक बड़ा गेट वो गाड़ी के लिए जो सीधे गैरेज के पास ले जाता है, और एक छोटा गेट है वो पैदल चलने के लिए सीढ़ी के रास्ते आ सकते हैं। और यहाँ कुछ इस तरीके का खाली जगह है गार्डनिंग के लिए। अभी तो घास बढ़े हुए हैं, बरसात का समय है इस वजह से। और यहाँ पे एक आम का पेड़ है और इधर एक केला का पेड़ है। यहाँ भी कटहल है, आम है। तो गैरेज के पीछे वो आंगन का एक छोटा सा दरवाज़ा है, दिखा देती हूँ मैं कैसा है। तो ये रहा घर के पीछे जो आंगन है ना, और ये रास्ता तो जंगल वाला रास्ता है जो सीधा जंगल की ओर ले जाता है, तो कुछ ऐसा है। और यहाँ गैरेज है, इसके साथ ही यहाँ पे भी छोटा सा गेट है, यहाँ पे शेड बना हुआ है। और यहाँ पे ये एक जगह है छोटा सा बरामदा टाइप का, मतलब जब भी बारिश होती थी ना तो हम लोग यहीं पर खड़े होकर के बारिश एंजॉय करते थे, मतलब बारिश का नज़ारा देखते थे। और कुर्सी लगा करके मैं तो यहाँ पे बैठती थी, बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे। और यहाँ पे भी मैं खाली बोतल से सजाई हूँ, मनी प्लांट लगा हुआ है। और यहीं से ये है मेन एंट्रेंस घर का। तो ये रहा हॉल जो अभी बिल्कुल खाली है। इसके साथ ही हॉल जो है इससे अटैच एक रूम है। तो ये हमारा डाइनिंग एरिया हुआ करता था, डाइनिंग रूम था। और यहीं से एक दरवाज़ा है जो बाहर निकलता है। यहाँ से जाने के बाद यहाँ एक सीढ़ी है, सीढ़ी के बाद यहाँ सीढ़ी के नीचे स्टोरेज है। और डाइनिंग रूम का दरवाज़ा एक यहाँ से निकलता है। और ये वॉशरूम है, ये तो आंगन का दरवाज़ा है। और ये छोटा सा यहाँ पे जगह है, अच्छा जगह है। और इसके साथ ही यहाँ पे किचन है, तो किचन अभी खाली हो गया है। और ये किचन से अटैच स्टोर रूम, तो स्टोर रूम भी अच्छा खासा बड़ा है, छोटा नहीं है। और यहाँ से एक दरवाज़ा है। तो ये रहा आंगन, और आंगन से ये अटैच एक दरवाज़ा है जो मैं बतलाई थी गैरेज साइड से, मैं दिखलाई बस वही। और यहाँ से सीढ़ी है, तो सीढ़ी से मैं चलती हूँ ऊपर, और ऊपर का रूम भी दिखला देती हूँ किस तरीके से है। अभी तो आपको पूरा खाली खाली सा रूम दिखेगा, कुछ भी नहीं है अभी, थोड़ा बहुत सामान बाकी है। तो सीढ़ी चढ़ते के साथ ही यहाँ पे जगह है, बरामदा टाइप का है। और बरामदा से अटैच यहाँ पे छत है, छोटा सा छत है, अभी मैं नहीं खोलती हूँ इसको। और यहाँ से एक रूम है, तो ये एक रूम है। और यहीं से अटैच बालकनी है, ये रहा बालकनी जहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। और ये रूम से भी यहीं पे बालकनी में निकलता है, बट उसको हम लोग हमेशा बंद ही रखते थे क्योंकि हर जगह दरवाज़ा खुला रखना होता है ना, इस वजह से। और इसी रूम के साथ एक और रूम लगा हुआ है, ये रूम। तो ये हमारा बेडरूम था जो अभी बिल्कुल खाली है। ये मैं खुद बनाई थी ये,
और कुछ इस तरीके का सजाई थी। अभी वहाँ पे जो प्लांट वगैरह लगे थे वो मैं हटा दी हूँ अभी। तो ये जो सरकारी क्वार्टर है इसमें टोटल 4 रूम है, और एक मैं लिविंग रूम के रूप में यूज़ करती थी, एक डाइनिंग रूम, एक बेडरूम और एक गेस्ट रूम, और साथ में 2 वॉशरूम, एक इंडियन एक वेस्टर्न किचन, साथ में एक छत दिया हुआ है, 2 बालकनी है और बड़ा सा बैक साइड में आंगन, मतलब घर के पीछे साइड एक आंगन दिया हुआ है बड़ा सा, और वहाँ पे भी एक वॉशरूम है, मतलब टोटल 3 वॉशरूम बोल सकते हैं। तो कुछ ऐसा है यहाँ का सरकारी क्वार्टर। तो फाइनली होम टूर हो गया कंप्लीट। और कैसा लगा होम टूर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल में न्यू जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। और सरकारी क्वार्टर है और बाहर से किस तरीके से दिखता है और रूम कैसा है, किस तरीके से है, वो तो मैं सारा कुछ आप सबसे शेयर की हुई हूँ। तो वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।